हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रक्षा मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाऊंगे खुश होंगे आबाद। मेरा नाम आजाद है। यार भारतीय मुस्लिम लड़की को हिंदू से शादी करने के बाद आजादी से बुलेट मोटरसाइकिल चलाता देख इस्लामिक देशों को पड़े मिर्गी के दौरे। बुलेट मोटरसाइकिल चला भाई हमारे यहाँ तो देखो अगर कोई लड़की चलाती भी है ना, मतलब कि मुस्लिम्स में मैं बात करूंगा, तो पहले तो टोपी वाले लोग उसको यूं यूं देखेंगे। ये बात ये क्या कर रही है, मतलब ये मोटरसाइकिल तो मर्द चलाते, औरत का क्या काम है चलाना भाई। हजारों में हमारे में तो मैंने कभी देखा नहीं है। नहीं, औरत कहाँ चलाती है बाइक, लेकिन वही बात है जो चलाती है ना उसका बड़ा गरक कर देते हैं। बिल्कुल यही बात है। तो वॉच पहले करते देखते आखिर किस तरह से भाई साहब आजादी से वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। ये देख सकते हो कि हेलमेट लग रहा है इधर तो भाई, ठीक है। हाँ ये तो वही है ना, फिजा बुलेट जो है ना मैंने मतलब मेरी मेहनत से परचेस करी थी, देख सकते हो आपके 22 साल की एज में मैंने इसको बुलेट को परचेस करा था। देखता हूँ कैसा जला पे छाला पड़ा साइलेंसर तो तेरे को पता ही नहीं चला कि मुझे क्या पता साइलेंसर गरम होता है। आप सभी लोग ठीक होंगे, आप सभी का स्वागत है मैक के ब्लॉग्स में। सो गाइस आज हम चलाने वाले हैं हमारी बुलेट को, हम लोगों ने निकाल लिया है और अभी हम लोग मॉर्निंग में जैसे ही उठे हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा लगा कि यार हमारी वीडियो जो है वायरल चली गई और 1 मिलियन क्रॉस करे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोगों ने हमारी बुलेट को निकाल लिया है और आज देख सकते हो कि हमारे साथ में कौन कौन यहाँ पे है। सब पूरी फैमिली को हम लोग लेके आ गए, लेके आ गए। देख सकते हो कि हमारा छोटा डगू भी आया हुआ है हमारे साथ में। और ये रही गाइस हमारी बुलेट, देख सकते हो ये है हमारी बुलेट। गाइस ये बुलेट जो है ना मैंने मतलब मेरी मेहनत से परचेस करी थी, देख सकते हो आपके 22 साल की एज में मैंने इसको बुलेट को परचेस करा था, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हो कि 22 साल की एज में लोग कितने गलत तरीके से नशे में लगे हुए हैं, कोई दूसरी चीजों में बहुत सारी गलत आदतों में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही गोल था, एक ही मोटिवेशन था कि मेरे को जिम जाना है, उस पर फोकस करना है बॉडी बिल्डिंग में। और साथ ही में मैंने उस टाइम मेहनत करके आप देख सकते हो कि ये मैंने बुलेट परचेस करी, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मतलब 22 साल की एज में आप सोच सकते हैं मैंने बुलेट ली थी ना, तब तो मतलब शादी नहीं हुई थी, घर पर ही थी मैं, जब उन्होंने बुलेट ली थी ना, जब मुझे बताया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी, बहुत अच्छा लगा कि नहीं खुद से। और ऐसा नहीं है गाइस कि मतलब आप अगर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हो कि नहीं यार फैमिली की वजह से सपोर्ट करेगा फैमिली ने, नहीं गाइस ये मतलब मेरे मेहनत से खरीद से खुद मेहनत कर लिए मैंने बुलेट, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस। क्योंकि मतलब एक साथ सब कुछ करना तो एक छोटी सी उम्र में मतलब तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो इससे पहले मैंने एक और बाइक ली थी तो मैंने उसको सेल कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने फाइनली बुलेट ली थी और इसी से हम लोग दोनों घुमा करते थे। क्यों भाई? मैं आती थी ना इनसे मिलने के लिए तो हम इसी से घुमा करते थे। आज मैंने इनसे बोला कि यार बुलेट चलाना है तो अभी आज देख सकते हो कि हम लोग सबको लेके आ गए। ये देखो स्कूटी भी है, हमारे लिए बहुत सबके साथ एंजॉय करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल सब कुछ। और हम हेलमेट भी लेके आए। हाँ देख लो बहुत सारे कमेंट थे भाई कि हेलमेट नहीं पहनते इसलिए हेलमेट भी लेके आए, ठीक है हेलमेट भी लेके आए। कितने खुले माइंड वाले लोग हैं, सारे ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करके चलेंगे। तो आज मैं तैयार हूं, तो भुरका पर तरीके चला लूं, मैं थोड़ी चला पाऊंगा। हां मैं बैठा हूं साथ में, ये देख सकते हो कि हेलमेट लग रहा है। इसने भी शुक्र किया होगा सनातन धर्म में आके किसको आजादी मिली, इसने उड़ना सीख। हेलमेट पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो रही है। बुलेट पे टॉप मार डालेगा इसी, क्या हो गया? इंजन छोड़ गया क्या? अरे यार ये पहली बार में शुरुआत तो कर दी है, क्या लग गई पैर दूर रखना नहीं, इतना टच नहीं होगा। चलो उठाओ क्या बात है, लेकिन उठा ली फाइनली गाइस। अभी टिकी स्टैंड जो है ना इसका, ये हटा दो यार, बहुत हैवी है ना, ताकत लगाओ अच्छे से, फील तो नहीं हलवा नहीं है। चलो फाइनली गाइस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अरे एक बार और घुमाओ, ये घुमा दे, हां एक बार और घुमाओ उस साइड, इस साइड, हां ये, अरे ये यहां आएगा ये अभी, और फिर उसके बाद क्लच पकड़ो, ये देखो तो सिखा रहा है
हो गया फाइनली गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब इसको धीरे धीरे आराम से हो चल मेरे पैर नीचे ही स्टार्ट कर लो साथ से खा भी रहा बता भी रहा ऐसे चला देखो चला ही चल छोड़ दो है चल पड़े अरे यार बंद क्यों नहीं मारवा आवाज कैसी हो रहा आराम से ले बुलेट भाई गियर उतारो एक आगे अभी वो देखो वो गियर उनको फिक्र ही नहीं थी इधर पाकिस्तानी होते तो मोटरसाइकिल रोक के देखते हां चला गाड़ी अरे क्या हो रहा है गाड़ी ऐसा पीछे पीछे लगे पीछे पीछे लगे बोल दे देखो इसे कितने आराम से सिखा कितने तरीके से सिखा दूसरा गियर लगाओ पीछे हां एक मिनट देख के मत लगाया करो मेरे को दिख ही नहीं रहा ये देख लोग आराम आराम उधर है किसी को परवाह छोड़ दे छोड़ दे कार आ रही है यार से शादी करती तो उसको चलो अच्छी बात है फाइनली चलने तो चलने तो आगे चला बहुत अच्छे स्पीड आराम आराम से बढ़ाओ कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को आप लोग भी तो तेज करते हो अब हमारी बात कर रहे हैं हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं हां तेज चला रही है स्पीड है तेज गाइस बहुत मजा आ रहा है मुझे बुलेट चलाने में सच में वो मुझे ना एक्टिवा की आदत हो गई ना तो देखो आज छोड़ दिया पीछे स्टार्ट करने वाली है चल मेरे ऊपर हाथ रखो आप मेरे ऊपर हाथ रखो हाँ चलो चलो आराम से सिखा रहा मैं देखना यू यू ये आगे यू होता है ठीक है चलो चलो यार इंडिया के शूट के भी बहुत धीरे धीरे रेस देना तेज मत देना धीरे 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 चल सो हाँ धीरे आराम से मेरे को तो लड़के चला दिए किसी को कोई परवाह अच्छे चला रही है माया थोड़ा उसका हैंडल तो छोड़ना उसको हैंडल सीखना तो पकड़ने दे आप पकड़ लेंगे पकड़ लेगी माया आवाज बेटा बहुत बढ़िया हैंडल अच्छे से पकड़ना बस साइकिल जैसी चलती है वो तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे मैं तो ब्रेक पकड़ रहा हूँ गाइस काफ़ी मज़ा आया आज बहुत अच्छे से इंजॉय करा हम लोगों ने एक दो घंटे हम लोगों ने बाइक चलाई देख सकते कुछ शाम हो गई हम लोग कब आए थे तो काफ़ी मज़ा आया सबको बहुत मज़ा आया बुलेट चला के मुझे मज़ा आया और माया को अभी जब सपना को भी सिखाएंगे अभी 18 प्लस हो जाएगा खुश कितने हो यार खुशी की इंतहा नहीं पता है ना छोटी तो पता नहीं कब बड़ी होएंगे तो छोटी बड़ी हो जाएगी उसको भी सिखाएंगे पर उसका नाम बड़ा नहीं रहेगा छोटी रहेगी हां लेकिन उसका नाम छोटी रहेगा ऐसे खानदान हो चलो अब चलते हैं घर क्योंकि अब देख सकते हो बादल कितने अच्छा मौसम भी बहुत प्यारा मौसम हो रहा शाम के टाइम हवा भी चल रही है कितनी प्यारी चल रही है ये हम लोग जिस लोकेशन पे आए थे ना वो भी बहुत प्यारी लोकेशन है बहुत मस्त लोकेशन है हमारे पास है करा चुके हैं मम्मी माता जी कैसा लगा अच्छा लगा ना मुझे तो अच्छा लग गया हाँ चलो घर में चलते हैं सब ₹10 का लिया तो कोलगेट वो पतंजलि का पेस्ट है अपने पास तो इससे अच्छा तो कुछ मलाई वाले भी कोलगेट नहीं कोलगेट से जल्दी हां ठंडा रहेगा जरा सपना लेके आ जाओ
हमारे पास ऐसी चीज हो जाए ना टूथपेस्ट लगा दे। जलन पड़ रही है क्या? हल्की हल्की हो रही है, पहले तीन बार बोला आपको मैंने। कब बोला मेरे को? आपने नहीं सुना, ध्यान ही नहीं उधर था आपका। ध्यान जल गया है ना। देख लो बुलेट चलाने में ये हाल हुआ। आके लगा रही है बेसास। अब इतने तो फर्स्ट टाइम चले, बहुत टाइम बाद, एक साल दो साल बाद। मेरे यार थोड़ी देर की साइलेंसर ले ले ले, साइलेंसर गर्म होता है जिसमें थोड़ा अंदर तक ठंडक बढ़ जाएगी तो वहीं का वहीं चिपक जाएगा वो। देखो कितना ख्याल कर रही है इसका। माया ने भी स्कूटी चलाई है। लगा दी इसके, लगा फिर बेटा को गिरा देते एक बार, फिर भाभी ने अच्छे से डर गई। सोहन दे सही है ना। सोहन गरम रहता है भाई साहब को अच्छा लगा यार, जहरी बात है लेकिन वही बात है की उसका पाँव जला। मैं तो अब बाइक सीखने से ज्यादा बात करूंगा उसकी माँ की, कि देखो ना उसका पाँव जला, उसने देखा, उसने पहले तो बोला पेस्ट ले आओ, लेकिन वही बात है कि फिर उसने बोला कि भाई बर्फ से करते अपने हाथों से किया वही ना भाई, इतना मोटा छाला था लेकिन उसकी सास ने बर्फ वहां पर लगाई अपने हाथों से, उसका ख्याल रखा। यहाँ पे तो दूर दूर तक ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती ना, कोई ख्याल रखती है भाई अपना, भाई साइड पे होती है बिल्कुल, बहू जो हो जाए भाई कोई परवाह ही नहीं होती है बिल्कुल। और वहां पर देखो भाई, मैं तो हैरान रह गया कि ना सास को इशू है ना उसके मर्द को इशू हो रहा है कि भाई उसको बाइक चलाना सिखाया जा रहा है। कुछ हमारे यहाँ तो बुरके में घुसा के कमरे में घुसा देते हैं भाई, शादी हो गई तू घर के अंदर है, तू बाहर नहीं जा सकती। और अगर कोई गलती से, अबे लड़की अगर गलती से इक्का दुक्का बाइक भी चलाती हो तो मर्द खड़े हो कर देखते हैं, भाई साहब उसको घर तक छोड़ के अगले ने बुलेट बाइक चलानी सिखा दी उसे, और चला रही है खुले आम, उसे कोई परवाह ही नहीं है, लोग करीब से गुजर रहा है, गाड़ियां गुजर रही है, कोई देख ही नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में यही सिलसिला होते लोग घर तक छोड़ गया था, तुम्हारी बात है जाहरी बात है, ओपन माइंड लोग है, ओपन मॉल है। मैं वही बोल रहा ना, इससे मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट काम किया जो हिंदू लड़के से शादी की है, क्योंकि उसको आजादी मिली और फिर उसे आगे से सनातन धर्म अपना आजादी उसको मिली, उन्हें शुक्र की उड़ना सीखा है। बिल्कुल वही बात है ना कि उन्हें उड़ना सीख लिया, आज दुनिया का हर काम वो आजादी से कर रही है, कोई रोक टोक नहीं है। उसका जो हस्बैंड है जो वो ये नहीं कहता कि तू घर के अंदर बैठ तू ये कर, उसका हस्बैंड उल्टा उसको सपोर्ट दे रहा है, यार तूने ये काम करना चला मैं तेरे साथ। ऐसा कहां देखने को मिलता है, हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। मोटरसाइकिल चलाने से खाता है कोई? ये पहले सोच कौन से खाता है यार, वजह चंगी पहली चीज नहीं सिखाते थे मोटरसाइकिल? वही ना भाई, आपको पता हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बोलते घर तक महदूद रहे, घर तक बाहर ना निकले मोटरसाइकिल लेके। अगर लड़की को अगर मतलब वही बड़े शहर में अगर ऐसा एक चीज हो जाए तो वही बात है, उधर भी लोग उसको घर तक छोड़ के आते, देखते कि यार ये लड़की मोटरसाइकिल क्यों चला आ रही है, क्या क्यों इसको क्या जरूरत पड़ गई, इसको तो घर में रहना चाहिए, यानी आप हमारी लड़कियां खराब होंगी, इस तरह बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये चीज वहां पर उसकी खुशी की इंतहा देखने वाली थी जब वो मोटरसाइकिल चला रही थी। बिल्कुल मुझे पता है इंडिया के अंदर हमारी आजादी से चलाती हैं लड़कियां, बिल्कुल ये है, लेकिन मुस्लिम आजकल वहां पर भी इतना मतलब वहां पे तो एडवांस हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि 90% मुस्लिम अब वहां पर भी चलाने देते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि उनको पता है नॉर्मल सी चीज है। वहां पे हिंदुओं को देख देख के उनकी भी अकल जगह पे आ गई है, लेकिन ये सनातन धर्म के अंदर आके तो वो फिर एक देखो हस्बैंड की सपोर्ट साथ मिल जाना वो एक अलग बात है, फिर कोई चीज नहीं रोक सकती ना, फिर और साथ साथ भी अच्छी है और खानदान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।